चलो जी पहले लगा रहे हैं चाबी और अपना ये हो गया कि उसे जैसे ऑन किया और आवाज़ चेक करना भाई जाते हैं। सो वन सेल्फ में बाइक अपनी स्टार्ट हो गई है, ये प्रॉब्लम गाइज आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गाड़ी के अंदर से, क्योंकि बाहर जो है माहौल बारिश वाला इतना ज्यादा खतरनाक हुआ हुआ है गाइज, इतना ज्यादा खतरनाक हुआ हुआ है क्योंकि कल भी बारिश थी और आज भी बारिश ही हो रही है, तो उसकी वजह से ना तो कल ब्लॉग आ पाया है ना ही आज ब्लॉग आ पाया है। सो गाइज आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरी जो बजाज एवेंजर है मैं उसको ब्लॉग में क्यों नहीं लेके आ पा रहा हूँ। सो रीजन ये है कि अपनी बजाज एवेंजर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो कि मेजर इशू मान लीजिए, मेजर इशू था अपनी बाइक की स्टार्टिंग प्रॉब्लम की। सो सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं, और काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने बजाज एवेंजर के फैन है ना, जिनके पास बजाज एवेंजर 160 है। तो अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर सडन स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, तो शायद मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही वाली सिचुएशन या फिर कंडीशन हो रही होगी गाइज। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो। स्वागत है गाइज आप लोगों का एक और नए बढ़िया से बेहतरीन से ब्लॉग में। जो क्या तो गाइज आज मोटो ब्लॉग तो नहीं होने वाला है, लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि मैं फेस कर रहा हूँ, और मे बी शायद हो सकता है कि आप भी उस चीज को फेस कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सीधा बाइक पे ही बताऊंगा, क्योंकि मोटो ब्लॉग तो कोई होने वाला नहीं है, मैं आपको बाइक पे ही बताऊंगा क्या चीज को मैं फेस कर रहा था, और आप भी इस चीज को अगर फेस करते हो तो क्या उसका सलूशन है, क्या उसका तरीका है सही करने का। सो चलो चलते हैं सीधा बाइक पे, वहीं पे दिखा दूंगा मैं आपको। सो जी गाइस ये खड़ी अपनी बजाज एवेंजर, जो कि जिसमें जो प्रॉब्लम जो हो रही थी ना, वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा मेजर थी, और बारिश का माहौल देख लो, क्योंकि दो दिन से ऐसे ही मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से अपने व्लॉग्स वगैरह ना कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी, प्रॉब्लम जो कि इसकी ये जो सेल्फ मोटर होती ना यहाँ थी, तो एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। सो मैंने ना ये भी चेक कर लिया था, इसका एक रिले होती है यहाँ पे, इसको मैं हल्का सा अगर आपको दिखाऊँ तो एक ये रिले होती है, ये भी मैंने चेक कर ली थी, और कुछ रिले होती हैं यहाँ पे, ये भी मैंने चेक कर ली थी। तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये चीज़ें कर रही थी प्रॉब्लम। सो बैटरी के कोई इशू नहीं था, क्योंकि बैटरी अपनी नहीं डली हुई थी, बैटरी का कोई रोल नहीं था, प्रॉब्लम थी सिर्फ अपनी ये वाली जो मोटर है ना, ये जो सेल्फ वाली जो मोटर होती है इसमें प्रॉब्लम थी। मैं इसकी आपको पुरानी भी दिखा देता हूँ। लो जी गाइस ये चेक करो, ये है इसकी जो मोटर पहले लगी हुई थी, तो ये प्रॉब्लम कर रही थी अंदर से, जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं ना, यानी कि जो मोटर का जो हिस्सा जो भी पार्ट्स रहता वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो एक बार मैं आपको पहले स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो जी पहले लगा देते हैं चाबी और अपना ये हो गया किल स्विच जैसे ऑन किया और आवाज़ चेक करना गाइस आप लोग। सो वन सेल्फ में बाइक अपनी स्टार्ट हो गई है, ये प्रॉब्लम थी। अगर आपके साथ भी यही वाली प्रॉब्लम अगर हो रही है ना, तो प्लीज़ एक बार ना सेल्फ जो मोटर होती है ना वो एक बार चेक करवा लीजिएगा मैकेनिक से कि वो ख़राब तो नहीं हो रही है, हो सकता है उसकी वजह से ना कभी कभी चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। सो अभी काफ़ी दिन से अपनी बाइक खड़ी हुई थी, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्टार्ट नहीं होती। और आवाज़ देख रहा हूँ, आवाज़ क्या प्यारी आ रही है भाई, बिल्कुल देखो एक बार फिर से मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखो क्या ही प्यारी आवाज़ आ रही है। सो ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो चुकी है, और कोई भी रिलेटेड क्वेरी चाहिए ना तो मेरे को आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ तरीके की कुछ प्रॉब्लम ये थी अपनी, और एक प्रॉब्लम अपनी बैटरी की भी है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि बैटरी की प्रॉब्लम से भी ये वाली चीज़ को इफेक्ट करती है, यानी कि मॉर्निंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो मॉर्निंग में भी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है। सो मेक श्योर कि आप ना एक बार सेल्फ जो मोटर होती है ना उसको एक बार चेक करवा लीजिएगा मैकेनिक पे जाके, कि ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है, सही से प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, और रिले वगैरह भी अपनी चेक कर लीजिएगा। इसमें दो रिले होती हैं, एक तो बड़ी रिले होती है, एक होती है
इग्निशन कॉइल, ठीक है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। कभी कभी जैसे फॉल्ट होता है ना, तो उसमें भी ये वाली चीज़ प्रॉब्लम करती करती है, स्टार्ट लेने में ना प्रॉब्लम करती है बाइक। और एक प्रॉब्लम जो हो रही थी मेरी, स्पेशली विंटर में अपनी बाइक जो कि स्टार्ट हो नहीं पाती थी, तो उसका जो इशू आ रहा था वो अपना बैटरी का था। सो मे बी शायद हो सकता है कि 1% इसका ये वाला जो सेल्फ मोटर वाला हिसाब है ना, हो सकता है ये भी चीज़ ख़राब हो रही हो, तो मैंने उस टाइम उस पर गौर करा नहीं। और बाकी गाइज कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और भाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश में आपके लिए एक ये बढ़िया सी वीडियो बनाई है, बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव वाली चीज़ दिखाई है। तो कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर दो, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए और आप इन्जॉय करने पाए लेटेस्ट वीडियो को और जितने भी मैं अपने मोटो व्लॉग्स बनाता हूँ उन सबको। सो होप सो गाइज आपको पसंद आई है वीडियो, पसंद आई तो आपको लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है। सो वीडियो करते हैं गाइज यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे